नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे यहाँ हल्द्वानी कुसुमखेड़ा में हनुमान मंदिर के पास नर्सरी है, इसका विजिट कराने के लिए लाई हूँ। यहाँ बहुत अच्छे प्लांट्स का कलेक्शन आया है, सारा इनका नया कलेक्शन आया है। बहुत सुंदर सुंदर प्लांट आए हैं, उनके क्या नाम हैं और हमारे लिए अब इस मानसून सीजन में कौन से प्लांट लेना बेहतर रहेगा कि जो इतने सुंदर ही हमारे यहाँ ये परमानेंट प्लांट का कलेक्शन किया, बहुत अच्छी वाला वेराइटी आई हुई है, तो सभी दिखाने वाली हूँ, उनके नाम बताऊँगी, कुछ कुछ हो सकता है केयर टिप से बताऊँगी। तो बहुत सुंदर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी मुसंडा से। ये मुसंडा के प्लांट इनके बिल्कुल डेवलप प्लांट आए हुए हैं, अच्छे हैं और छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं। ये देखिए, इस तरह के पॉट्स में लगे हुए प्लांट हैं और 150 रुपए का पर प्लांट। यहाँ पर हमको ये जो व्हाइट कलर का मुसंडा है ये भी मिलेगा, और जो लोग पिंक लगाना चाहते हैं पिंक भी है यहाँ पर, वो भी 150 रुपए का। बिल्कुल नया कलेक्शन है, अभी बहुत सारे प्लांट के सारे नए नए आए हुए हैं। नर्सरी परमानेंट और फ्लावरिंग प्लांट और जो फॉलेज प्लांट होते हैं उनसे भरी पड़ी है, और एक से एक वैरायटी आपको मिलेंगी। सबसे पहले देखिए, आपको मैं एक लैम इस छोटी छोटी संतरी होती हैं, ये चाइनीज ऑरेंज कहते हैं, इसके प्लांट कितनी सारी बॉड्स हैं इसके अंदर की गिनती नहीं हो सकती। तो ये काफ़ी डेवलप प्लांट है, तो काफ़ी थोड़े महंगे भी मिल रहे हैं। देखिए, ये प्लांट 600 रुपये का बता रहे हैं, पर वाकई इस लायक का लग रहा है, क्योंकि इसमें इतनी सारी फ्रूटिंग हो रही है कि ये फ्रूटिंग बहुत जल्द झड़ती भी नहीं है। और जो हरे हरे पत्तों के बीच में जो पीले पीले इसके ऑरेंज हो जाते हैं, पहले ग्रीन होते हैं फिर और पिंक पीले रंग के होते हैं, तो काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। ये देखिए, परमानेंट फॉलेज वाला प्लांट पॉनिक्स की वेराइटी दिखा रहे हैं। पॉनिक्स जो है 100 रुपीज का है। जिस तरह विंटर में हम यहाँ पर जाते हैं नर्सरी में, तो फ्लावरिंग प्लांट के बेड बने होते हैं, तो इस समय जो है इन्होंने सारे मैक्सिमम फॉलीज प्लांट के बहुत सुंदर बेड बना रखे हैं। तो ये देखिए, ये है अरेलिया की वैरायटी, इसको मिंग अरेलिया भी कहते हैं, बॉल अरेलिया भी कहते हैं। तो इस पर जो है ये 100 रुपीज़ का पर प्लांट दे रहे हैं। ये देखिए, खूबसूरत पेंडानस, ये बिल्कुल स्पाइडर प्लांट जैसा दिखता है, ये पॉट में लगे हुए हैं, ये भी 100 रुपीज़ का पर प्लांट मिल रहा है। सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट भी देखिए, पूरा बेड बना हुआ है और ये पॉली बैग में लगे हुए हैं, 80 रुपये का पर प्लांट के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल यूनिक प्लांट होते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये है टेबल मधुकामनी का, टेबल कामनी का प्लांट है और ये 220 रुपये का पॉट मिलेगा। इनकी बहुत ग्रोथ नहीं होती है, ये बॉन्जाई बनाने के लिए अच्छे प्लांट होते हैं। फिर देखिए, ये फर्न की वैरायटी लगी हुई है, तो ये खूबसूरत प्लांट जो है बिल्कुल ये इसके कलर जो है बिल्कुल ग्रीन नहीं, थोड़े येलो इसलिए होते हैं, ये 150 रुपये का है। और ये देखिए, सफरेला के खूबसूरत प्लांट 100 रुपीज़ के, ये भी पॉट में लगे हुए हैं। यहाँ पर वाटर लिली और जो लोटस दोनों के बल्ब मिल रहे हैं, तो ये प्लांट जो है यहाँ पर इन्होंने 200 रुपये का बल्ब मिलेगा, पर काफ़ी हेल्दी बल्ब मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए, ये बल्ब से लगने वाला फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसके फ्लावर्स जो होते हैं अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करते हैं, उसके बाद जो है इसके बल्ब बच जाते हैं, तो ग्लेस्कोनिया कहते हैं इसको। पॉट में लगे हुए प्लांट हैं और ये 100 रुपीज़ का पर प्लांट है। इसके बाद देखिए, आप इसी के पीछे इन्होंने कलरफुल कोलियस और जो छोटे छोटे पत्ते वाला सिंगोनियम ये लगा रखे हैं, पूरे सिंगोनियम का पूरा बेड बना रखा है इन्होंने। अपने गार्डन जो नर्सरी है उसको इस तरह डेकोरेट कर रखा है कि बहुत अट्रैक्शन लग रहा है इसमें, क्योंकि प्लांट जो है बिखरे बिखरे छितरे छितरे दिखाई देते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। एक से प्लांट का बहुत सुंदर बेड बना रखा है। तो 80 रुपये की पॉट में लगा हुआ प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, काफ़ी अच्छी, इसका अभी ग्रोथ का सीजन है पूरा। दोस्तों, ये देखिए, ये है एक्जोरा का बेड है पूरा, खूबसूरत एक्जोरा का प्लांट, परमानेंट प्लांट के रूप में एक बार लेने की जरूरत है, हमेशा हमारे पास बना रहता है, इतनी सुंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये पॉली बैग में लगे हुए प्लांट है हमारे यहाँ, ये 80 रुपये का पर प्लांट के हिसाब से मिल रहा है। ये देखिए, पूरा रेड पत्तों से भरा हुआ ड्रेसिना का एक इन्होंने बेड बना रखा है, इसमें सब ड्रेसिना के प्लांट लगे हैं, छोटे छोटे बैग में बने लगे हैं, और ये 80 रुपये का पर प्लांट के हिसाब से मिल रहा है। इंडोर और सेमी शेड में लगाने के लिए और बहुत ज़्यादा धूप से बचाना पड़ता है इस प्लांट को, पर कलरफुल प्लांट हमेशा रहने वाला, एक बार लेके बहुत इसके सुंदर सुंदर प्लांट, देखिए पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लगे, किसी फूल को लगाने की जरूरत नहीं है इन प्लांट्स को, अगर आप 4-5 इकट्ठे लगा के रख देते हैं तो। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी मिल रही है यहाँ पर। ये देखिए, बेंगलोरी क्रोटन में भी एक से एक वैरायटी, पर ये बड़े पॉट में लगे हुए प्लांट है, छोटे पॉट में प्लांट नहीं है। तो जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ है, इनके यहाँ ये प्लांट 100 रुपये से लेकर इसमें आपको 600 तक की वैरायटी मिल रही है। अब ये जो है इतने बड़े पॉट में जो लगे हुए प्लांट है, ये जो है बड़े थोड़े महंगे हैं, 600 रुपये के हैं, और जो छोटे छोटे पॉट्स वगैरह में लगे हुए हैं
ये देखिए इस तरह के बैग में लगे हुए हैं तो 150 रुपए के हैं। तो इनको जो है हम ले जाके थोड़ी दिन केयर करते हैं, कुछ समय के बाद फिर से इतने घने हो जाते हैं क्योंकि इस समय ग्रोथ का सीजन है, ऊपर से पिंच करके इसको घना बनाना चाहिए। इस समय क्रोटन को अपने गार्डन में ऐड करने का बहुत अच्छा समय होता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत वेरायटी है, कितने सारे कलर्स हैं, एक क्रोटन के अंदर कितने सारे आप कलर मिल जाते हैं। तो ये प्लांट जो है पॉली बैग में लगे हुए 150 रुपए, उससे थोड़ी सी अलग, मतलब इस समय कोई भी आप वेरायटी लें बहुत अच्छी लग रही है। ये भी 150 रुपए का है पॉली बैग में। देखिए दोस्तों कलरफुल प्लांट के तौर पर जो है एग्लोनिमा की जो वैरायटी होती है ये देखिए बहुत सुंदर है, 220 रुपए का। और ये थोड़ा सा उसी में एग्लोनिमा की ही ये जो आइस वाली वैरायटी आती है ये जो है ये भी 220 का ही बता रहे हैं, पर पॉट में लगे हुए प्लांट है। यहाँ पर चाइनीज एवरग्रीन, तो जो चाइनीज एवरग्रीन एग्लोनिमा की वैरायटी है वो 150 रुपए की। और इसी के बगल से देखिए बेड बना रखा है इन्होंने जिनाडू का, ये 100 रुपीज का। एरोकेरिया क्रिसमस प्लांट बहुत सुंदर प्लांट है, हेल्दी प्लांट है, ग्रोथ अच्छी है इनकी, 150 रुपए का पर प्लांट, बड़े से बैग में लगे हुए हैं। देखिए इस तरह के बैग में लगे रखे अच्छे प्लांट है, कुछ समय तक हम इनके अंदर चला सकते हैं। दोस्तों पाम के बहुत सुंदर प्लांट है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये प्लांट, तो अच्छी ग्रोथ लिए हुए हैं। और ये प्लांट जो है काफ़ी स्टिक्स हैं इसमें, घने घने प्लांट है मतलब, तो ये 200 रुपए के पर प्लांट के हिसाब से। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने सारे इसके अंदर पॉप्स निकले हुए हैं, चाहें तो इनको अलग कर सकते हैं बाद में, पर ये देखिए घना घना प्लांट अच्छा लगता है। एक देखिए ये पाम की नई वैरायटी आई है, सैम्पियन पाम कह रहे हैं, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस टाइप के दिख रहे हैं इसके, छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए प्लांट हैं इनके। यहाँ पर देखिए इन्होंने सारे अपने बिंका के प्लांट को बहुत तेज धूप और बारिश वगैरह से बचाने के लिए शेड प्रोवाइड कर रखी है, सब में फ्लावरिंग हो रही है। ये खुद के इनके प्लांट लगाए हुए हैं, तो सीजनल प्लांट के तौर पर हम यहाँ से बिंका के प्लांट ले सकते हैं। बिंका के प्लांट 20 रुपये पर प्लांट के हिसाब से, काफ़ी हेल्दी प्लांट है सारे के सारे। हमारे यहाँ हल्द्वानी में जो है अडेनियम के प्लांट कम से जगह पर मिलते हैं, और यहाँ पर इनके पास बहुत अच्छी रेंज आई हुई है। देखिए कितने इनके स्टॉक, देखिए नीचे से पूरा इनका प्रोडक्ट्स देखिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, हेल्दी प्लांट है। तो ये जो है 220 रुपए का पर प्लांट के हिसाब से बता रहे हैं। दोस्तों ये देखिए फर्स्ट लव का प्लांट है, और इसमें तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, दो कलर में है, एक पिंक कलर जिसके पत्ते भी देखिए थोड़े से इस टाइप से हैं, एक देखिए दूसरा ये कलर है, तो बहुत सुंदर प्लांट है ये भी, 150 रुपए का पर प्लांट के हिसाब से बता रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बहुत बड़ा नारंगी का प्लांट दिखाया था, 600 रुपए का बताया था इन्होंने, पर छोटे छोटे प्लांट भी लेना चाहें तो कोई वो भी है यहाँ पर। और देखिए अच्छे प्लांट है, ऐसा नहीं है, 150 रुपए का पर प्लांट के हिसाब से काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ है, और इनमें देखिए फ्रूटिंग भी हुई है इतनी अच्छी अच्छी। एक्जोरा के जो लोग बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाना चाहते वो छोटे प्लांट लगा सकते हैं, मिनीचर एक्जोरा भी मिलता है, तो 150 रुपए पर प्लांट के हिसाब से। ये देखिए इसी के सामने जो बगल में रखी है इन्होंने बेड बना रखा है पूरा, ये मधुकामनी का बेड है, मधुकामनी का प्लांट बता रहे हैं 150 रुपए का, और इस तरह के बैग में बड़े बैग में लगे हुए हैं ये। ये देखिए बहुत सुंदर एक पूरा बेड बना रखा है ये जो है गुलमोहर का है, तो गुलमोहर के प्लांट जो है 100 रुपीज के बड़े बड़े प्लांट हैं, पॉली बैग में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ नर्सरी में इस तरह के प्लांट कमी देखने को मिलते हैं, तो इस बार मैंने जैसा बताया कि इनके यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन प्लांट का आया हुआ है। तो कम से कम हल्द्वानी वाले जो लोग ढूंढ रहे हैं प्राइड ऑफ इंडिया के प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है, चारों कलर ही बता रहे हैं कि हमारे पास जो होते हैं वो हैं, तो इनके बहुत सारे प्लांट आए हैं, जो कलर आपको पसंद है ले सकते हैं। ये प्लांट यहाँ पर सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है, 50 रुपए का पर प्लांट। राखी बेल भी यहाँ पर अवेलेबल है, 150 रुपए का पर प्लांट के हिसाब से मिल रही है। दोस्तों अब जो सीजन चल रहा है इसमें अलमंडा बहुत अच्छी ब्लूमिंग करता है, और ये डिफरेंट कलर में है। यहाँ पर आपको जो है सारी वैरायटी के अलमंडा मिल सकते हैं, यहाँ पर इनका माल अभी आया हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। देखिए एक से एक वैरायटी इनके पास आपको जो ढूंढे सो मिल सकती है। तो इसमें जो है 100 रुपीज का प्लांट बता रहे हैं, ये पॉली बैग में, बड़े पॉली बैग में लगे हुए प्लांट हैं। गुड़हल की वैरायटी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी हैं जो हमारे को मिल सकती हैं। पॉट में लगा हुआ प्लांट लेंगे तो 150 रुपए का, पॉली बैग में लगे हुए लेंगे तो 80 रुपए का, और देसी वैरायटी लेंगे तो 50 रुपए की। तो सभी तरह की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए यहाँ लैला मजनू का प्लांट 80 रुपए का है, और अच्छे प्लांट हैं ये भी, बड़े बड़े प्लांट हैं। कनेर में इनके पास रेड पिंक वाइट सब वैरायटी मिल जा रही हैं, और ये एक प्लांट जो है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के तौर पर 50 रुपए का सस्ता प्लांट है, इसको ले सकते हैं यहाँ से। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे फ्लावरिंग के प्लांट के अलावा जो है फ्रूटिंग प्लांट के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर फ्रूटिंग प्लांट का अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, देखिए ये छोटे छोटे पॉट्स में, छोटे छोटे पॉली बैग में संतरे लग रहे हैं इतने बड़े बड़े। तो ये प्लांट हम ले जाके अगर बड़े पॉट या जमीन में लगाएंगे तो और अच्छे रिजल्ट रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी वेरायटी आई हुई है, 150 रुपए का एक प्लांट ये बता रहे हैं।
यहाँ पर इसके अलावा जो संतरा बताया मैंने आपको, उसके अलावा ये देखिए ये खूबसूरत प्लांट जो हमारे को हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से आंवला, चीकू और अनार और इसके अलावा अमरूद, तो सारी वैरायटी के फ्रूटिंग प्लांट यहाँ पर अवेलेबल हैं दोस्तों। इसको ऑल स्पाइस प्लांट कहते हैं। देखने में ये प्लांट बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, पर अगर इसके पत्ते को एक बार तोड़ के मस लेंगे तो इसमें सारे मसालों की खुशबू आ जाती है। तो इसके पत्ते जो है सुखा के पीस के अपने किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला प्लांट है। बहुत अच्छा प्लांट होता है ये, 150 रुपये का पर प्लांट के हिसाब से ये भी मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ नारियल जैसे प्लांट यूनिक प्लांट होते हैं ये, जैसे कम नर्सरी में देखने को मिलते हैं, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। 250 रुपये का ये प्लांट बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये प्लांट भी है। देखिए इस तरह दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट दिख रहे हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन है। कई लोग जो है रुद्राक्ष वगैरह के प्लांट ढूंढते हैं क्योंकि ये प्लांट भी कमी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष बता रहे हैं, देखिए ये छोटा सा फ्लावर भी खिला हुआ है इनमें। तो ये जो है यहाँ पर 150 रुपये का पर प्लांट के हिसाब से पॉली बैग में लगा हुआ है। गार्डन में इस तरह की लगी हुई चीज़ें जो हैं बहुत यूनिक लुक देती हैं। तो ये बने बनाए यहाँ पर रेडीमेड मिल रहे हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। 150 रुपये का पर ये नेस्ट बता रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वैरायटी के जो है प्लास्टिक के पॉट्स, और देखिए ये डेकोरेशनल हैं, ये सेरेमिक्स में तो आते हैं, साथ साथ अभी प्लास्टिक में भी इस तरह के आने लग गए हैं। बड़े पॉट प्लास्टिक में ये जो है देखिए वाइट वाले भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये कलरफुल रेड वाला लेना चाहें तो वो, और नीचे लगाने के लिए ट्रे, तो सभी तरह के यहाँ पर आपको प्लांटर जो है प्लास्टिक के भी और मिट्टी के भी सब कुछ है। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए डेकोरेशन करने के लिए कलरफुल स्टोन भी ढूंढते हैं, तो ये भी अब यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। ये 60 रुपीज़ की पर ये पोटली जैसी ये मिलती है। ये देखिए कंपोस्ट के पैकेट जो मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती है हमारे गार्डनर के लिए, तो ये 50 रुपये का एक बैग मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप लोग कोई ऐसे लेना चाहते हैं कि मिट्टी और खाद मिले हुए बैग भी लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ का वो भी मिलता है यहाँ पर। उसमें आपको यहाँ पर ये सॉइल और कंपोस्ट मिक्स करके देते हैं, मिट्टी के छोटे बड़े सभी तरह के अच्छे अच्छे पॉट यहाँ पर हैं। तो दोस्तों दिखाने को तो और भी बहुत कुछ है, और काफ़ी कुछ मैंने कवर करने की कोशिश करी है, सबके रेट्स बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया, कम से कम हल्द्वानी वाले तो यहाँ पर आकर जो है यहाँ के जो इतने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट, अच्छा कलेक्शन आया है, एक बार विजिट करिए, देखिए कितने सुंदर प्लांट आए हुए हैं यहाँ पर। तो इनके रेट भी अच्छे हैं और हमारे चैनल का नाम भी लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको ये रेट में कमी करेंगी। उम्मीद करती हूँ फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, फिर तब तक के लिए नमस्कार।